मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक भाजपा को कई सारे तगड़े झटके लग रहे हैं। कई बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी नेता भी शामिल हैं, तो वहीं हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल के बाल सखा और हरदा के चाणक्य कहे जाने वाले नेता ने भी भाजपा को टाटा बाय बाय बोलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कहा जाता है कि नेता उसी दल का रुख करते हैं जिस तरफ हवा होती है। ऐसे में भाजपा के अंदर अभी निराशा छाई है तो कांग्रेस में जश्न का माहौल है। मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कई तगड़े झटके लग रहे हैं। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। विकास तिवारी भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। विकास तिवारी ने कहा कि वो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे। कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जन अधिकार पंचायत राज संगठन पंचायत राज की मांगों को लेकर लगातार मैं वर्तमान सरकार से शिवराज सरकार से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1993 अधिनियम लागू करने की मांग करता रहा और उसमें पूरे जनप्रतिनिधियों के ऊपर लाठी डंडे चार्ज किए गए, जेल भेजा गया और लगातार हमारी उपेक्षाएं की गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में इस बात को शामिल किया है। इसी उद्देश्यों की पूर्ति के साथ वचन पत्र में शामिल होने के कारण हम सब कांग्रेस की विचारधारा और कमलनाथ जी के सत्य के साथ चलने के विचारधारा के साथ प्रभावित होकर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी और हम पंचायत प्रतिनिधियों को अपना अधिकार मिलेगा। कृषि मंत्री और हरदा से भाजपा के प्रत्याशी कमल पटेल के बचपन के दोस्त और हरदा के चाणक्य कहे जाने वाले सुरेंद्र जैन ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सुरेंद्र जैन ने कांग्रेस की सदस्यता लेते ही कमल पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुरेंद्र जैन ने कहा कि कमल पटेल हरदा में भय का माहौल बना रहे हैं। कमल पटेल और उनका परिवार लोगों के बीच डर पैदा कर रहा है। हरदा में नशे का कारोबार चरम पर है। सुरेंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हरदा में बड़ी जीत होगी। अवैध कारोबार जिसमें चाहे रेत खनन हो, चाहे गिट्टी का खनन हो या हरदा जिले में चरम उत्कर्ष पर है, उसका भी मैंने विरोध किया है। जब वहां पर सुनवाई नहीं हुई तो मैंने अपना रास्ता चुना है। और एक बात आपको बड़े अच्छे से बताता हूं कि 1990 में जब हमने राजनीति शुरू की थी कमल पटेल और हमने, उस समय जो भय का माहौल हरदा जिले में हुआ करता था उससे कहीं ज़्यादा आज भय का माहौल है। और उस समय भी हमने अपनी जान को हथेली में रख करके उसके खिलाफ संघर्ष किया था और उसको हमने समाप्त करके शांति का वातावरण निर्मित किया था। आज उसी भय के माहौल को खत्म समाप्त करने के लिए मैं पुनः पारी की शुरुआत कर रहा हूँ और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हरदा में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी होगी और मादक पदार्थों का सेवन, अवैध कारोबार, इन पर निश्चित रूप से हम विराम लगाएंगे और हरदा जिले में शांति का, सुख का और समृद्धि का माहौल बनाने का हम वचन देते हैं। इस काम को हम पूरी तन्मयता के साथ पूर्ण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र सीहोर से आने वाले जसपाल अरोड़ा ने भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। जसपाल अरोड़ा ने कहा कि सीहोर जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी। तीन बार जिला पंचायत जीती सदस्य, एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष जीता, दो बार जिला पंचायत सदस्य, दो बार नगर पालिका जीती, जनपद जीती, सारी संस्थाएं जीतने के बाद और निर्दलीय रूप से भी जीता, जिला पंचायत भी और नगर पालिका भी। इतना जन आधार होने के बाद भी क्या पता क्या बात थी, किसके दबाव में क्यों इस टाइप से मेरे साथ किया मुझे नहीं पता है, लेकिन चूंकि मैं उस पार्टी में रहूं, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी की बुराई भलाई करूं, बस मैं तो एक संकल्प लेके जा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को विजय कराएंगे। तीन सीटें तो हमारी क्लियर है, जो एक सीएम साहब की थोड़ी कठिन है ये बात सही है, लेकिन संघर्ष करेंगे और इस बार पंजा पूरे जिले में पंजा ही निकलेगा। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।